जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैव विविधता से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैव विविधता सभी लोगों को पता है कि 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, जीवों की विविधता से संबंधित ये जैव विविधता है, इसके बारे में जानेंगे, इसके कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी परीक्षा से बेहद संबंधित हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस प्रकार से जो सब्सक्राइब का बटन दिया होगा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी सभी लोगों को बताना है। ये प्रश्न थोड़े से कठिन जरूर हैं, लेकिन आपको उत्तर इनके बताना है। अगर आपसे पहला प्रश्न पूछा जाए कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन में कितने मुख्य लक्ष्य रखे गए थे, 1, 2, 3 या फिर 4, जल्दी से आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर तब आपसे बनता है, तो कमेंट में लिखें। और इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 3 जो है मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। अब वो 3 मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं वो देख लो। जैविक विविधता पर कन्वेंशन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का स्थायी उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्याय संगत साझाकरण शामिल है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जैव विविधता पर कन्वेंशन में कितने मुख्य लक्ष्य रखे गए, तो 3 मुख्य लक्ष्य रखे गए। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि जैव विविधता कन्वेंशन हुआ कब था। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वर्ष में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। प्रश्न क्रमांक 2 है और 2 का जो उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर है सी, यानी कि 1992 में। ठीक है, जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1992 में। जैव विविधता पर कन्वेंशन 5 जून 1992 को हस्ताक्षरित किया गया, यह रियो डी जेनेरियो में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए हुई पार्टियों का 10वां सम्मेलन कहां हुआ था, कहां पर हुआ था, भारत, चीन, रूस या फिर जापान में। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। देखो, आपको तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट जो क्षेत्र हैं, है ना, पश्चिमी घाट माना जाता है, पूर्वी हिमालय माना जाता है, ये हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। अब यहां से कुछ हॉटस्पॉट के भी प्रश्न आएंगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। 10वां सम्मेलन कहां हुआ था, तो वो हुआ था जापान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। हालांकि 1992 में जैव विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षरित हुए, यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ, 2010 में जापान के नागोया में अक्टूबर में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 10वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। विकल्प नंबर जो आपका डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बायोसेफिलिटी पर कार्टोजोना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, जनवरी 2000 में, मार्च 2000 में, सितंबर 2000 या फिर दिसंबर 2000 में। बायोसेफिलिटी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हमें बताना है। अगर आपको पता है तो उत्तर आपको बताना है, नहीं पता है तो उत्तर हो जाएगा जनवरी 2000 में। ए नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। इसका स्पष्टीकरण देखें, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जिसे जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, जनवरी 2000 में अपनाया गया था। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल ने जो है स्पष्ट रूप से कहा कि नई प्रौद्योगिकियों के उत्पादों को एहतियाती सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तब आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के रूप में जो जाना जाता है वो कब अपनाया गया, जनवरी 2000 में अपनाया गया, ये चीज भी आपको याद रखनी है। एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स पर नागोया प्रोटोकॉल कब अपनाया गया, नागोया प्रोटोकॉल बताना है, 19 जून 2010 को, 23 जून 2010, 29 अक्टूबर 2010 या 31 दिसंबर 2010। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर यहां बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, सी यानी कि 29 अक्टूबर 2010। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स को 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नागोया में अपनाया गया। 12 अक्टूबर 2012 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्याय संगत साझाकरण है। अगला देख लेते हैं, हम भारत को जैव संपन्न देशों में से एक कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, पौधों और जानवरों की अपनी महान विविधता के कारण,
ग्रहों और जानवरों की अपनी कम विविधता के कारण, मनुष्यों की अधिक जनसंख्या के कारण या फिर अधिक प्रदूषण के कारण, तो हम भारत को जैव विविधता जैव संपन्न देशों में से एक कैसे कह सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, पौधों और जानवरों की अपनी महान विविधता के कारण हम भारत को जैव विविधता संपन्न देशों में से एक कह सकते हैं। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैव समृद्धि में भारत शीर्ष देशों में एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौधों जानवरों की अपनी महान विविधता के लिए पौधों और जानवरों में से कई अन्यत्र नहीं पाए जाते। यह अनुमान है कि भारत में कई पाई जाने वाली अज्ञात प्रजातियों की संख्या कई गुना अधिक हो सकती है। तो आपको याद रख लेना है कि जैव विविधता संपन्न देश हम कह सकते हैं भारत को, क्योंकि पौधों और जानवरों की अपनी महान विविधता के कारण। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। स्थानिक पैमाने पर जैव विविधता को मापने के लिए भेटेकर ने अब कितने शब्दों का वर्णन किया है? इन्होंने 1, 2, 3 या फिर 4 कितने शब्दों का वर्णन किया? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 शब्दों का इन्होंने वर्णन किया है। दोस्तों स्पष्टीकरण है कि 1972 में भेटेकर ने स्थानिक पैमानों पर जैव विविधता को मापने के लिए 3 शब्दों का वर्णन किया। 3 शब्द हैं अल्फा, बीटा और गामा। विविधता है, अल्फा विविधता एक विशेष क्षेत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करती है। तो ये जो 3 शब्द अल्फा, बीटा और गामा, ये जो है किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं भेटेकर साहब ने दिए हैं। ठीक है, और ये 3 शब्द जैव विविधता को मापने के लिए भेटेकर ने कितने शब्दों का वर्णन किया? तो 3 शब्दों का इस प्रकार से आप देख लेंगे, है ना। विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द की शुरुआत किसने की है? दोस्तों आप हॉटस्पॉट क्षेत्र देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो पूर्वी हिमालय माना जाता है, है ना, फिर पश्चिमी घाट भी माना जाता है। तो विविधता का जो हॉटस्पॉट शब्द है उसकी शुरुआत किसने की थी? डार्विन ने, मैकलिन, माइक होसी या फिर मायर्स ने की थी? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ पर हमें बताना है तब आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर होगा दोस्तों आपका मायर्स, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। वर्ष 1988 में मायर्स ने जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट शब्द की शुरुआत की है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो उच्च प्रजातियों की समृद्धि के साथ उच्च प्रजातियों के स्थानिक बाद का प्रदर्शन करते हैं। हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र में संबंधी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए और इसे अपने निवास स्थान का कम से कम 70% होनी चाहिए। ठीक है, तो 1988 में किसने किया है? मॉयर्स ने किया है हॉटस्पॉट शब्द का जो है शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जैव विविधता के लिए कितने प्रकार के आर्थिक मूल्य हैं? आर्थिक मूल्य कितने प्रकार के जैव विविधता के लिए? 1, 2, 3 या फिर 4? तब प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है, तो 9 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि 2। जैव विविधता के लिए कितने प्रकार के आर्थिक मूल्य हैं? तो 2 प्रकार के। एक तो आर्थिक रूप से जैव विविधता के 2 मुख्य प्रकार हैं, वे हैं ए नंबर है उपयोग मूल और बी नंबर है गैर उपयोग मूल। ठीक है, उपयोग मूल में 3 प्रकार होते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष मूल, अप्रत्यक्ष मूल और विकल्प मूल। गैर उपयोग मूल में 2 प्रकार होते हैं जैसे वसीयत मूल और अस्तित्व मूल। तब आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता के लिए कितने प्रकार के आर्थिक मूल्य हैं? तो आर्थिक मूल्य हैं दोस्तों 2 प्रकार के। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकृति के उत्पादों के मूल्य के लिए क्या कहते हैं जो सीधे खपत होते हैं? उत्पादक मूल्य, अप्रत्यक्ष मूल्य, गैर उपभोग मूल्य या फिर उपभोग मूल्य, क्या कहते हैं? प्रकृति के उत्पादों के मूल्य के लिए क्या कहते हैं जो सीधे खपत होते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग मूल्य, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण में देखें कि उपभोग मूल्य प्रकृति के उत्पादों के मूल्य हैं जो सीधे खपत होते हैं। उपभोग मूल्यों के कुछ उदाहरण हैं जलाऊ लकड़ी, चारा और मांस। राष्ट्रीय आय खातों में उपभोग उपयोग मूल्य शायद ही कभी प्रकट होता है। तो उपभोग मूल्य आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विविधता के निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सा हम पश्चिमी घाट में झरने की सुंदरता के लिए वर्गीकृत कर सकते हैं? नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, विकल्प मूल्य या फिर सौंदर्य शास्त्र मूल्य। विविधता के निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सा हम पश्चिमी घाट में झरने की सुंदरता के लिए वर्गीकृत कर सकते हैं? तो कौन सा कर सकते हैं झरने की सुंदरता के लिए? तब आपका प्रश्न क्रमांक 11 का बिल्कुल सही आंसर होगा सौंदर्य शास्त्र मूल्य डी नंबर। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र मूल्य
मानव के लिए शारीरिक बौद्धिक और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। लगभग सभी लोग वन्य जीवन का आनंद लेते हैं और आनंद हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। यह तनाव को कम करेगा और आंखों को बहुत खुशी देगा, है ना। तो डी नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है जिस पर हम मूलभूत आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं? तो कौन सा व्यवहार है प्रश्न क्रमांक 12 का, प्रदूषण, वायुमंडल, जैव विविधता या फिर प्रदूषण? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा व्यवहार पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है आपको बताना है। यहाँ पर चार विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपका हो जाएगा जैव विविधता। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की क्या मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है, ठीक है। प्राणियों की रीढ़ है जिस पर हम बुनियादी आवश्यकताओं के लिए निर्भर करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं हमारी जलवायु, हवा और पानी की गुणवत्ता दोनों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम पर्यावरण क्षरण की रोकथाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कभी काम करने के लिए सरकार पर निर्भर द्वारा, जंगल में सभी जानवरों को मारने के द्वारा, पर्यावरण के महत्व के बारे में लोगों के बीच जन जागरूकता बनाकर, या फिर अधिक से अधिक प्रदूषण के कारण। तो हम पर्यावरण क्षरण की जो रोकथाम है, पर्यावरण विनाश की जो रोकथाम है, पर्यावरण प्रदूषण की जो रोकथाम है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, यानी कि पर्यावरण के महत्व के बारे में लोगों के बीच जन जागरूकता बनाकर, ठीक है। पर्यावरणीय महत्व के बारे में जनता को जागरूकता करके हम पर्यावरण क्षरण की रोकथाम को प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरणीय गिरावट की रोकथाम हमारे सभी जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। हम विश्व वानिकी दिवस कब मनाएंगे या कब मनाते हैं? 21 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को या फिर 11 जुलाई को? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमें बताना है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, हम विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तब आपको पता होनी चाहिए, कमेंट में जल्दी से आपको लिखना है। और राइट जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के योगदान के बारे में समुदायों के बीच सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 14 प्रश्नों पर चर्चा की जो कि जैव विविधता से संबंधित हैं, है ना। जैव विविधता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पर जाना। बहुत ही कठिन प्रश्न जरूर थे, लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हम आपको कुछ प्रश्न देने का जो है यहाँ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के भी हमने टॉपिक वाइज आपको दिया है, और ऊर्जा के गैर नवीनीकरण नवीनीकरण स्रोतों का भी आपको दिया है, और ये हमारा जैव विविधता से संबंधित एक टॉपिक हो गया। इसके भी क्वेश्चन हम हमने आप तक लाने का प्रयास किया है, और ऐसे अनेकों क्वेश्चन आप तक टॉपिक वाइज आएंगे जिनको आपको पढ़ना है, और जिनको पढ़कर के आपकी जो तैयारी है वो परिपूर्ण हो सके और एक अच्छी तैयारी की ओर आप बढ़ सकें। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं वो जरूर देखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी हमारे नए साथी हैं वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।